गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, सिर्फ ऐसे ही चलता रहता था दिन भर। तो आज हम निकलने वाले हैं गांव के लिए, और आज शाम से मैं ब्लॉग का स्टार्ट की हूँ क्योंकि सुबह हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दे के अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन बहुत ही अच्छा है, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ऑनलाइन में पूरा टाइम लग जाता है। तो अभी हमारे 3 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, एक एग्ज़ाम और है जो हम जाके दिलाएंगे, कहाँ, गांव में, नानी के यहाँ। तो आज हम निकलने वाले हैं और अच्छा लग रहा है, बट उतना भी मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि इस बार हम सिर्फ 4 ही जा रहे हैं, मैं, मम्मी, पापा और निक्की, और भैया और दी यहीं रहने वाले हैं, इसलिए अच्छा खुशी नहीं हो रही क्योंकि सारी फैमिली साथ में जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल तो काफ़ी टाइम है, 11:30 बजे तक हमारी ट्रेन है और अभी सब तैयारियाँ चल रही हैं, तो थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में नहीं, 9:30-9:10 बजे तक। गाइज़, अभी हम हो चुके हैं पूरी तरीके से रेडी, और अभी वेट हो रहा है कि ऑटो जल्दी आए क्योंकि 11 बजे ही आएगी वैसे ऑटो, उसके पहले तो नहीं आ सकती, 11:45 बजे, और 11:30 बजे हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे सब मुँह लटका के बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि रीज़न तो सब जानते ही हैं कि आधे लोग जा रहे हैं, आधे लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इस बार। और अभी यहाँ पे कुकू की मम्मी भी आ चुकी है, अंधेरे में दिखाई दे रही है आपको, वो रही कुकू की मम्मी। तो कुकू को भी छोड़ के जाना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस बार जाने में वो वाली खुशी नहीं है जो लास्ट टाइम थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम। तो अभी वेट हो रहा है ऑटो का, सामान की पूरी पैकिंग हो चुकी है, सब रखा गया है, अब बस अभी वेट है तो जल्दी ऑटो आए और फिर हम लोग निकले। तो गाइस, अभी आ चुकी है हमारी ऑटो और अभी बज चुके हैं 10:45, तो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि 11:30 बजे तक है हमारी ट्रेन, और जो स्टेशन से हम जा रहे हैं वहाँ से 5 मिनट का स्टॉपेज है, तो अभी फटाफट से निकलते हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, और मैं ही पकड़ती हूँ, और स्टेशन पे आज है काफ़ी ज़्यादा भीड़, हमेशा की तरह गर्मियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हम हमेशा की तरह गर्मियों में ही जाते हैं गांव। तो अभी देखते हैं, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी 11:30 बजे ट्रेन आने वाली है, अभी सिर्फ 11:04 हो रहा है, तो अभी आधे घंटे के करीब हमें वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मिल चुकी है सीट बैठने के लिए, और बैठना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ट्रेन है पूरी 1 घंटे लेट और वो आने वाली है 12 बजे, अभी तक तो 11:30 बजे था लेकिन अभी 12 बज गया, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इधर तो वैसे कम है, नहीं, आगे में बहुत ज़्यादा है, इधर भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं और सबकी निगाहें हैं किस ओर, ट्रेन किधर से आएगी, इधर से, तो सबकी निगाहें हैं इस ओर कि कब ट्रेन आती है और फिर हम जाते हैं। तो गाइस, अभी वेट करते करते हमको कितना टाइम हो गया, हम 11 बजे से आए हुए हैं और अभी 12:30 हो गए हैं, और दूर दूर तक ट्रेन का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अब आ गई क्या? हाँ, अब तो आई, हॉर्न यहाँ तक सुनाई दे रहा है, फाइनली आई तो सही, 12:30 हो चुके हैं, इसकी टाइमिंग है 10:45 और आई है 12:30 बजे तक। तो हम रेडी हैं, पूरा बैग वैग लेके जैसी आती है वैसी बैठेंगे और निकल पड़ेंगे, काफ़ी पास आ चुकी है। छपरा
थोड़ा जाएंगे और सोएंगे और फिर सुबह थोड़ा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया था आज हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो पूरे दिन हम लोग सो नहीं पाए थे। तभी चलते हैं और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो चुकी है सुबह और सुबह के बज चुके हैं 9 और कल हम जैसे ही ट्रेन में आए वैसे ही हमें नींद आ गई तो सब लोग सो गए और अभी तक सो रहे हैं। निक्की ऊपर अभी तक सो रही है, मैं जग गई क्योंकि मुझे ट्रेन में उतनी ज़्यादा नींद नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और यहाँ पे मम्मी भी अभी लेटी हुई है, मैं उनको कब से बोल रही हूँ उठने के लिए, वो उठ नहीं रही हैं। अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान है क्योंकि आज का पूरा दिन हमें ट्रेन में निकालना है। तो यहाँ पे मम्मी अभी तक सो रही हैं और इनको मैं कब से बोल रही हूँ उठने के लिए, नहीं उठ रही हैं। पापा जी उठ चुके हैं और निक्की अभी ऊपर में ही है। पापा जी तो चाय भी पी ली है लेकिन हमें ट्रेन की चाय पीनी ही नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे और प्रयागराज से पहले जो गंगा नदी आती है उसको हमने मिस कर दिया क्योंकि हम सारे लोग सो रहे थे और हमें पता नहीं चला। वैसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा वीडियो उनका शूट किया है क्योंकि वो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वहाँ बहुत अच्छा सीन रहता है। लेकिन ठीक है, अब वापस आते टाइम हम कोशिश करेंगे कि उनको पूरी तरीके से कैप्चर कर सकें। वैसे लास्ट टाइम की वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कितनी प्यारी लगती हैं वो जब ट्रेन से जाओ और उनको देखो। तो अभी मैं और निक्की यहाँ पे उतरे हुए हैं बाहर और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा चल रही है एकदम गर्म हवा। मम्मी और पापा अभी तक अंदर हैं, हमने सोचा कि हम थोड़ा बाहर से घूम के आ जाए क्योंकि कल से ही ट्रेन में थे, हमें उतरने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इसलिए। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, पता नहीं मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं। तो ये रही निक्की जो अभी सो के उठी है, तो ट्रेन में सोना बहुत ज़्यादा पसंद है ताकि इनको सफ़र का पता ना चले और इनका सफ़र बहुत अच्छे से निकल जाए। तो अभी फ़िलहाल तो ट्रेन यहाँ आधे घंटे रुकने वाली है लेकिन हम नीचे आधे घंटे तक नहीं रुक सकते, तो हम जाते हैं फिर से वापस और अगर पापा जी साथ में आएंगे नीचे और थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। और यहाँ प्रयागराज स्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आजकल हर जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये रही हमारी ट्रेन जो खड़ी है सारनाथ, तो अभी हम चलते हैं ऊपर, चले ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। अरे पापा जी भी आ गए, अब हम रुक सकते हैं यहाँ क्योंकि हम अकेले नहीं रहेंगे।